हेलो गाइस, टेक्निकल नॉलेज में आपका स्वागत है। गाइस आज की जो अपडेट वो IRL की तरफ से। गाइस IRL में जिन भी कैंडिडेट्स का स्किल टेस्ट यानी कि सेकेंड लेवल टेस्ट के लिए क्वालिफाई हुआ था, तो गाइस उनको पर्सनली मेल किया गया था। तो बहुत से कैंडिडेट्स ये जानने के लिए उत्सुक थे कि वो क्वालिफाई हुए हैं कि नहीं हुए हैं, किन कैंडिडेट का मेल नहीं आया हुआ, डायरेक्ट उनको मैसेज आया हुआ है। तो गाइस अब इस वीडियो में बात करेंगे कि गाइस जो सिलेक्टेड कैंडिडेट लिस्ट है उसकी आउट हो चुकी है, आपकी कट ऑफ किया गई है, और आप जो सिलेक्ट हुए तो आप उसका स्किल टेस्ट का एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो की स्टार्ट करते हैं। गाइस हमें IRL की ऑफिशियल साइट पर गाइस जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, आप ये देख सकते हैं लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट नंबर COHRM रिवाइज नोटिस। गाइस मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। गाइस जैसे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ रिजल्ट रिवाइज डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट प्रोविजनल क्वालिफाइड फॉर सेकेंड लेवल टेस्ट एग्जामिनेशन नोटिस, ही पहले की है कोरिजनल या आपकी पहले की। तो सबसे पहले हम आपको लिस्ट ऑफ कैंडिडेट प्रोविजनल सिलेक्टेड फॉर सेकेंड लेवल टेस्ट यहाँ से क्लिक कर देते हैं। गाइस जैसे कि आप इसे में देख सकते हैं, हमने वहाँ पर क्लिक करके PDF डाउनलोड कर ली। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। सब्जेक्ट में देख सकते हैं लिखा हुआ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट प्रोविजनली क्वालिफाइड फॉर सेकेंड लेवल टेस्ट फॉर द सिलेक्शन ऑफ ग्रेजुएट ट्रेनिंग फाइनेंस वालों का, ग्रेजुएट ट्रेनिंग HR वालों का, डिप्लोमा ट्रेनिंग टेक्निकल, जूनियर सुपरवाइजर राजभाषा, पर्सनल सेक्रेटरी एंड ट्रेड्समैन ITI, यानी कि सभी ब्रांचों का आपका जो सेकेंड लेवल टेस्ट है उनकी आपकी PDF आउट हो चुकी है। तो जो भी कैंडिडेट सेकेंड लेवल टेस्ट के लिए क्वालिफाई हैं, तो गाइस अपना नाम यहां पर आप चेक कर सकते हैं। देखिए आप देख सकते हैं ग्रेजुएट ट्रेनिंग की दी हुई है आपकी पहले पॉइंट पर, दूसरे पे आप ग्रेजुएट ट्रेनिंग HR की दी हुई है, उसके बाद आपकी डिप्लोमा ट्रेनिंग टेक्निकल की दी हुई। गाइस इसमें 1:3 पे बुलाना था, लेकिन आप देख सकते हैं मेरे हिसाब से टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसी थी डिप्लोमा ट्रेनिंग के 19 थी, और इसमें कैंडिडेट आप देख सकते हैं टोटल 69 कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए, यानी कि लगभग 4 गुना। उसके बाद जूनियर सुपरवाइजर राजभाषा में आप देख सकते हैं 9 कैंडिडेट को लिया गया है, पर्सनल सेक्रेटरी में आप देख सकते हैं टोटल 6 कैंडिडेट्स को लिया गया है। ट्रेड्समैन IT के बारे में बात करते हैं, तो ट्रेड्समैन IT में काफ़ी सारे कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है 85 कैंडिडेट्स। उसके बाद आपका आया हुआ है ट्रेड्समैन ITI का PC3 के लिए, सॉरी PC7 के लिए, PC7 में आपका टोटल सेलेक्ट हुए हैं 41। इसके बाद PC8 ट्रेड्समैन ITI जो आपकी ब्रांच वाइज थी, इसमें आप देख सकते हैं टोटल जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं 42। सो गाइस ये बात थी आपकी शॉर्ट लिस्ट जो भी थी कैंडिडेट सेकंड लेवल टेस्ट के लिए। अब बात करते हैं आपकी कट ऑफ कितनी गई थी, और जो भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है तो अपना कैसे स्किल टेस्ट वाला एडमिट कार्ड डाउनलोड करें। तो सिंपली गाइस आपको यहाँ पर रिजल्ट पर क्लिक करना है। चलिए गाइस मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे गाइस रिजल्ट पर क्लिक करूँगा, कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ गया। यहाँ पर देख सकते हैं क्लिक हियर टू व्यू रिजल्ट ऑफ रिटन टेस्ट, सेकेंड नंबर पर क्लिक हियर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर सेकेंड लेवल टेस्ट, क्लिक हियर टू व्यू लिस्ट ऑफ कैंडिडेट प्रोविजनल क्वालिफाइड फॉर सेकेंड लेवल टेस्ट। जो भी अभी मैंने आपको PDF दिखाई थी, आप यहाँ से भी क्लिक करके वो PDF डाउनलोड कर सकते हैं। क्लिक हियर टू व्यू रिजल्ट ऑफ रिटन टेस्ट, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। गाइस जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर देना, आपको एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, यहाँ पे आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो गाइस जैसे ही सारी डिटेल्स फिल करेंगे, आपको कुछ ऐसा इंटरफेस सामने आएगा। आप देख सकते हैं पार्ट 1 मार्क्स आउट ऑफ 50 में 41 पाए हैं, पार्ट 2 आउट ऑफ 50 में 40 पाए हैं, जो टोटल इनके मार्क्स हैं 81 है। और देखिए गाइस जिनका भी सिलेक्शन हुआ आपके यहाँ पे लिख जाएगा कांग्रेचुलेशन, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म दैट यू हैव बीन शॉर्टलिस्ट फॉर अपेयरिंग इन सेकेंड लेवल टेस्ट। कट ऑफ मार्क्स भी आपके यहाँ पे शो हो जाएगी, कट ऑफ मार्क्स फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल PC3 इज 81। तो गाइस 81 इसकी कट ऑफ गई है और 81 में ही इनका सिलेक्शन हुआ है। तो गाइस अगर आप ITI ब्रांच से हैं, डिप्लोमा ट्रेनिंग HR के, सॉरी ग्रेजुएट ट्रेनिंग HR के हैं, तो आप अपने इसी प्रकार से रिजल्ट देख सकते हैं और अपनी कटअप भी देख सकते हैं। और गाइस कटअप आप हमसे जरूर शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कटअप जरूर बताएं। अब गाइस आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना, तो सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना क्लिक हियर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर सेकेंड लेवल टेस्ट। गाइस यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद भी आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी होती है, उसके बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। गाइस सारी डिटेल्स फिर करके आप क्लिक करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा रहेगा कॉल लेटर फॉर सेकेंड लेवल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्लोमा ट्रेनिंग टेक्निकल इलेक्ट्रिकल। ये जो कैंडिडेट्स का डाटा हमारे पास इलेक्ट्रिकल का जो भी कैंडिडेट्स और भी हैं, तो आप अपना इसी प्रकार डाउनलोड कर सकते हैं। सब्जेक्ट देख सकते हैं सेकेंड लेवल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्लोमा ट्रेनिंग टेक्निकल इलेक्ट्रिकल इन IR लिमिटेड, रजिस्ट्रेशन नंबर ये सब दिया हुआ, पोस्ट कोड PC3 ऑफ IR लिमिटेड। ये आपका सारी चीज़ दिया हुआ कि आपका कहाँ पर होने वाला है, कितने बजे से होने वाला है, द स्किल टेस्ट स्ट्रक्चर, आपका स्ट्रक्चर भी दिया हुआ। पहले आपका टेस्ट डिस्क्रिप्शन होगा, उसके बाद प्रैक्टिकल टास्क बेस्ड टेस्ट विद राइट अप होगा, उसके बाद साइकोमेट्रिक टेस्ट, ये सारी डिटेल्स इसमें दी हुई है आपका क्या क्या होने वाला है। उसके बाद गाइस इसी के नीचे आपका TA क्लेम, सभी आप कोई भी आप उससे हो SC ST OBC, तो आपको यहाँ पर TA क्लेम भी मिलने वाला है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से इसको भी फिल करके ले जाना है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट फॉर कैंडिडेट रिगार्डिंग COVID-19 के बारे में दिया हुआ जो भी इंस्ट्रक्शन, तो आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। सेल्फ डिक्लेरेशन भी दिया हुआ इसमें। सो गाइस यही एक अपडेट देनी थी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।